मैं भी वीडियो बनाने बैठा ही था कि मैंने अनस मलिक का ट्वीट देखा कि अब्दुल रजाक एडवोकेट जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल सिक्स की प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में फाइल की हुई थी और कल उस केस की सुनवाई थी उनको अभी अभी कोयटा में मार दिया गया उनकी गाड़ी पर चौदह बुलेट्स फायर की गई दिस इज़ द प्राइस वन पेज फॉर सीकिंग जस्टिस इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमने सोचा हुआ है कि एक साइड फरिश्ता है और दूसरी साइड जल्लात है लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सच्चाई यही है कि अगर कोई सच बोलता है जिस भी साइड पर हो इस तरह के वाक़ अनफॉर्चुनेटली अनप्रेसिडेंटेड नहीं हैं द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एज ए प्लेटफॉर्म हमने आई हैव पर्सनली टेकन प्राइड इन द फैक्ट कि हमने आपको हमेशा सच बताया है डायरेक्टली बताया है नो no बी के साथ बताया है और क्लियरली बताया है हमने कभी आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं की किसी एजेंडा से uh, हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे लेकिन एट सम पॉइंट वन हैज टू थिंक वेदर एनी ऑफ दिस इज़ वर्थ इट एट ऑल मतलब मुझे तो अभी लग रहा है कि मोहित पीरजादा जैसे लोग बहुत अक्लमंद हैं जिनके बारे में सेनेटर एनी मरी ने ट्वीट किया कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 19 करोड़ रुपये लिए थे ग्लोबल विलेज स्पेस बनाने के आपने वो भी ले लिए उसके बाद आपने मुल्क भी छोड़ दिया आप एक लेविज ज़िंदगी गुजार रहे हैं बाहर और आपके यूट्यूब अर्निंग्स रिपोर्टली एक करोड़ रुपए हैं महीने के तो इससे बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती है बिफोर मे बी स्टॉपिंग दी सोलो वीडियोज़ आई वॉन्ट कंटिन्यू द पॉडकास्ट डोंट वरी अबाउट दैट वी हैव अ गुड थिंग गोइंग वी विल कीप दैट गोइंग लेकिन ये जो वन ऑन वन वीडियोज़ थी आई डोंट नो इसका क्या फ़ायदा हो रहा है क्या पॉइंट है बट आफ्टर सम पॉइंट इट्स नॉट वर्थ इट लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरह की सेंसरशिप हो रही है बिल्कुल मैंने पी की तनकीद की है खुलकर तनकीद की है लेकिन जब आप एक पार्टी का या एक लीडर का नाम ही नहीं ले सकते उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते तो आई एम ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट फिर आप लोगों को सच बताएगा कौन तो मैं चाह यही रहा था मैंने जिससे बात की उसने बोला भाई ये वीडियो अभी मत बनाओ तीन चार महीने चुप हो जाओ उसके बाद बना लेना लेकिन तीन चार महीने के बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट देने का क्या फ़ायदा है जब चीज़ें हो रही हों तब बताना ज़रूरी है ना ताकि लोगों को समझ में तो आ जाए कि यार अच्छा क्या हो रहा है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है जो कुछ हो रहा है और क्या हो सकता है या होना चाहिए वो आपको एक ही वीडियो में बता दूँ सो दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो आई एम सॉरी अबाउट दैट बट जितना मुझे पता है इनकेस कल को कुछ हो गया मैं चाहता हूं आज मैं आपको ये सब बता दूं। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एज ए प्लेटफॉर्म ने चार साल पहले शुरू किया था और पी के दौर में जब फैशिज्म हो रहा था जब कमीडियंस तक को उठाया जा रहा था जब मीडिया पे कदगने थीं लोगों को नहीं बोलने दिया जा रहा था जो लोग बैंड थे उन लोगों को हमने बुलाया सच बोला खुलकर बोला हालाँकि मेरे दोस्त कमीडियंस जो हैं उनको भी उठा लिया गया था इस तरह का हाल था एंड अनफॉर्चुनेटली सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई वर सेलिब्रेटिंग इट बैक देन अभी भी मुझे बहुत दुख हुआ जब जबरान नासिर को उठाया गया तो कुछ पीटीआई सपोर्टर्स ने उनको काफ़ी खुल के मौक किया और जो लोग जबरान के लिए बोल रहे थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया गया कि हाँ भाई अब तुम लोगों को फील हो रहा है ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपके दोस्त के साथ होता है आपको ज़्यादा फील होता है एज अ पोस्ट टू कर किसी स्ट्रेंजर के साथ हो लेकिन अगर मैं इवन इफ आई थिंक अबाउट द वर्स्ट पर्सन मेरे ख्याल से इमरान रियाज खान ने जिस तरह की वाइल्ड डिस्कस्टिंग कंस्पिटोरियल बातें की हैं ऑनलाइन मैं हमेशा से उसके खिलाफ हूँ हद तक उन्होंने नूर मुकदम की विक्टम ब्लेमिंग की थी जब उनके साथ वो हादसा हुआ था दिस इज़ हाउ वाइल्ड ही वॉज रिगार्डलेस ऑफ दैट मैंने ट्वीट किया थर्टियथ मे को जब इमरान रियाज को उठाया गया मैंने तब भी कंडेम किया और थर्टीएथ मई को तो मैंने ये भी ट्वीट किया कि जो सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनको गवर्नमेंट पर रिपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए जब तक इमरान रियाज खान को प्रोड्यूस ना किया जाए बिकॉज इफ आई कान स्टैंड फॉर द राइट्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द पर्सन आई लाइक द लीस्ट देन आई डोंट बिलीव इन दो प्रिंसिपल ना जो लोग आजकल कह रहे हैं कि भाई पी टी आई के लोगों को क्यों उठाया जा रहा है पी 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 और पी एम एल एन के लोगों को उठाया जाए पी टी आई अपनी ट्विटर अकाउंट से पुरानी वीडियोस पोस्ट कर रही है जिसमें नवाज़ शरीफ तनकीद कर रहे हैं मिलिट्री की और कह रहे हैं भाई इन लोग इन पर आर्टिकल सिक्स लगाना चाहिए या इनके ऊपर आर्मी कोर्स या मिलिट्री कोर्स लगाना चाहिए स्टैंड विद द प्रिंसिपल्स राइट के जो प्रिंसिपली बात गलत है वो ग़लत है इमरान रियाज खान ने अगर कुछ गलत किया है आप एफ़ काटें आप कोर्ट केस करें प्रोड्यूस तो करें ना आई वन हंड्रेड परसेंट अग्री कि पी टी आई ने जितना प्रॉपर किया है वो कोई भी बात करें तो उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर इमरान रियाज खान का पता ही नहीं चलेगा किसी को वो नज़र नहीं आएगा वो कोर्ट में नहीं आएगा तो फिर वो क्यों ना लोकप्रिस थ्योरीज में माने क्यों ना माने राइट योर योर एडिंग फ्यूल टू दैट फायर योर सेल्फ और अगर हम जो कि मैं नहीं यकीन करता बट अगर हम वर्स्ट केस सुन गवर्नमेंट की पोजिशन मान लें कि जी हमारे पास नहीं है इमरान रियाज खान वो अफगानिस्तान चले गए या उन्होंने मुल्क छोड़ दिया एंड ही इज़ हाइडिंग समवेयर हेल्थ तो आप कितनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है मुल्क छोड़ के एक इंसान बाहर चला गया और आपको पता भी नहीं चला सो थिंग्स लाइक दिस ये जो मीडिया पर क्रैकडाउन हो रहा है अगेन पी ने वो स्पेस बनाई हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी ऑन द क्रिएशन ऑफ इमरान खान के किस तरह पिछले 10-12 साल में डेमोक्रेटिक सिविलियन जो स्पेस थी वो श्रिंक की गई एक मुनजम प्लान के थ्रू की गई इमरान खान उस आ, के फ्रंट मैन थे आजकल इमरान खान अमेरिका से सपोर्ट मांग रहे हैं बोल रहे हैं भाई आर्मी के खिलाफ बोलो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलो लेकिन जब मेमोगेट वाली कंस्परेसी हुई थी इमरान खान सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे उनको खत देता है को के खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो मुझे इनसे बचा लो मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा और डॉन पे जब हमले हो रहे थे और डॉन लीक जब हुआ इमरान खान के साथ थे सिविलियन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट थे अपनी फौज को नीचा दिखाया जाए और बताया जाए कि फौज जिम्मेदार है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की एक लॉबी है आप याद रखें अमेरिका में इंडियन लॉबी के बाद जो जो

किसी लेवल पे नहीं है कि वो कुछ बोल सके और आप नहीं देखेंगे मीडिया को बोलते हुए यू विल सी कि जो हम कह रहे थे ना भाई ये अनप्रेसिडेंटिड नहीं है अब आपको समझ में आएगा क्योंकि अब जो होने वाला है वो हाल हाल ही हाल में जो चीज़ें हुई हैं उससे ज़्यादा डेंजरस है उससे ज़्यादा फैशिस्ट है उससे ज़्यादा रिप्रेसिव है एंड It's, it's unfortunate दैट वी गॉट here। मैं इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे सो so एब्सोल्युटली होना तो यही चाहिए कि अक्रॉस पार्टी लाइंस सब लोगों को प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा होना चाहिए और मैं आप लोगों को अंदर की बात ये भी बता दूं कि जो पीडीएम पार्टीज हैं वो भी खौफज़दा हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ठीक है आज पीटीए के साथ ये हो रहा है कल को हमारे साथ होगा क्योंकि कल को यही हमारे साथ हुआ था अभी इमरान ख़ान ने बोला कि मैं सत्ताईस साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रहा हूँ वो कब प्लान ए से प्लान बी पे आ जाएँ आपको समझ ही नहीं आएगी थैंक यू इमरान खान कि आपको ये बात समझ में आ गई बाकी सब को आपके अलावा पाकिस्तान में ये बात बहुत पहले समझ में आ चुकी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसी वजह से साइन किया गया था आपको इसी वजह से सपोर्ट और क्रिएट किया गया था कि बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको कट डाउन टू साइज किया जाए ताकि वो भी औकात में रहें और अब सब के सब औक़ात में हैं ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एच आर सी पी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन औरत मार्ज जबरान नासिर इस तरह के लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे स्टेट फैश्म बिल्कुल कर रहे हैं बट उन लोगों के पास वो रिसोर्स नहीं हैं कि वो एक इस्टबलिशमेंट को चैलेंज माउंट कर सकें तो आज की वीडियो में मैं चार पार्ट्स हैं जिसमें हम आपको कोशिश करूंगा एटलीस्ट फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट हाउ आई सी थिंग्स एंड हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस टू कम टू हीयर पॉइंट वन इस क्राइसिस का क्या कॉन्टेक्स्ट है पॉइंट टू ये करंट क्राइसिस है क्या पॉइंट थ्री ये जो फैशिज़म है क्या ये अनप्रेसिडेंटिड है पॉइंट फोर क्या पीटीआई टी को हरा सकती है देखा कि किस तरह 2018 में सिविलियन स्पेस डेमोक्रेसी सबको डी किया गया जस्ट टू मेक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो खुद भी मान चुके हैं। मैं तो था। सारी पावर किसी और किस तरह हर चीज एस्टेब्लिशमेंट करवाती थी उनके दौर में जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी के किंग था सबके ऊपर बैठा हुआ था सारे फैसले यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है इसमें इमरान खान बड़ी अकलमंदी करते हैं कि बोलते हैं भाई ये तो बड़े ऑपोजिशन के खिलाफ जो केसेस हुए मेरे टाइम से पहले थे हाँ वो आपको लाने के लिए ही थे ना दो में जितने पॉलिटिशन डिसक्वालीफाई किए गए हु वर नॉट रेडी टू जम्प शिप और नॉट रेडी टू बैंड पी एम उनके खिलाफ केसेस हुए उन लोगों को कोर्ट से अरेस्ट किया गया उन लोगों को रेंजर से अरेस्ट किया गया तो हुए वो 2018 से पहले लेकिन वो हुए इसलिए ताकि इमरान खान पावर में आ सके तो वो जो सेम पेज पॉलिटिक्स हमने देखी वो नवंबर 2021 तक चली अगेन पॉलिटिशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स वो ठीक है लेकिन एज अ सोसाइटी ये जो कॉम है हमें भी ज़रा अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये किस तरह के माशरे में आप लोग रह रहे थे इमरान खान अरेस्ट हो जाए तो लोग रोना शुरू कर देते थे नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स एक नेशनल जोक थी कुलसुम नवाज जब बीमारती एतजाज़ ऐसे जैसे रिस्पेक्टेबल लोग और टी वी पर आ, आ के मजाक उड़ाते थे उनकी बीमारी का फिर उनका इंतकाल हो गया अब सार आलम पर गोली चली वो मीम बन गई असद तूर को उठाया गया मारा गया वो एक जोक था ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं मोहित पेजाजा है, इमरान रियाज खान जैसे प्यारे से बच्चे की लेकिन जिस तरह के शोज उस टाइम पर होते थे जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्टिविस्ट के खिलाफ जिस तरह की बातें की जाती थीं मतलब खुल के इस तरह की बातें की जाती थीं कि डेथ स्कॉड्स होने चाहिए लटका देना चाहिए तो आपने एक कल्चर तो बना दिया ना आपने एक ओपिनियन तो बना दिया कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए हद तक जब पी टी एम एक्टिविस्ट के ऊपर गोलियाँ चली पी टी आई के लोग नेशनल असम्बली में जाकर उन लोगों को टेररिस्ट बोलते थे आज कहते हैं जी पी टी आई के लिए लोग आवाज़ें उठाएं भाई जो लोग आवाज़ें उठा रहे थे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चला रहे थे उन लोगों को तो आपने मार दिया अरेस्ट कर दिया पूरी कौम को उनके अगेंस्ट कर दिया अभी भी जो लोग पी टी आई सपोर्टर्स हैं वो पी टी आई को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनके सिमिलर मसले मसाइल हैं वू आर ऑल्सो फेसिंग स्टेट फैशिज्म दे डोंट एक्सटेंड द सेम सिम्पथी एम्पथी टू दो पीपल जो थोड़ी बहुत स्पेस मीडिया ने डेमोक्रेसी ने गेन की थी वो इमरान खान के दौर में उन्होंने लूज़ कर दी इमरान ख़ान और जनरल बाजवा के मसले मसाइल कीम टू हेड उस टाइम जब नवंबर दो हज़ार इक्कीस में आई एस आई की चीफ़ की अपॉइंटमेंट का मसला आया इमरान खान वॉन्टेड टू रिटेन जनरल फैज़ एज द चीफ़ ऑफ़ द आई एस आई ये बात अब बहुत ही खुल के लोग कर चुके हैं कि किस तरह जनरल फैज़ एट द बेहस्ट ऑफ इमरान खान पॉलिटिशंस को मीडिया को मैनेज करते थे uh, परवेज लाई तो ये भी बोल चुके हैं कि नैपीज़ तक बदलाते थे इमरान खान खुद आके तस्लीम कर चुके हैं कि जी पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुलाने के लिए उनसे चीज़ें करवाने के लिए आयस आय को फ़ोन करना पड़ता था अब बताएं आप ये फेयर है कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें आके खुल के कह रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और मिलिट्री को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिक्स के लिए इज़ इन दिस एंटी डेमोक्रेसी इज़ इन दिस एंटी सिविलियन सुप्रेमेसी और इनको सीखने देना चाहिए था

कम हो गई तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसमें इमरान खान के पास वो एक इंटेलिजेंस या आईएसआई का सपोर्ट नहीं था या प्रेशर नहीं था पॉलिटिशियंस के ऊपर तो ही लॉस्ट इज़ एलाइज बिल्कुल झूठ बोला गया कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई पीटीआई के लोग खरीदे गए आप जाकर वोटिंग लिस्ट देख लें किसी पीटीआई मेंबर ने इमरान खान के खिलाफ नहीं वोट दिया इमरान खान लॉस्ट द तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिकॉज लॉस्टेज हम आपको नहीं गिरना आपने है लोग बड़े नाराज होते हैं कि जदारी ने कहा था कि पीटीआई एक मांगे टांगे की हुकूमत है लेकिन आप दो तेरह से इनफैक्ट 2014 से देखना शुरू कर दें कि किस तरह इलेक्टेबल्स एम जो हैं दे वर मेड टू जम्पश टू ज्वाइन पी टी आई आप लिस्ट खोलें जो जो एम एन एज इलेक्ट हुए हैं पी के टिकट से उनकी हिस्ट्री देखें कि वो 2013 में पी की टिकट से इलेक्ट हुए थे वो 2008 में पी की टिकट से इलेक्ट हुए थे तो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पी भेजा उसके बावजूद पी एम का आप वोट बेस नहीं तोड़ सकते थे तो आपने टी क्रिएट की ताकि पी का वोटर बेस पंजाब में टूटे उसके बावजूद आप इतनी मेजॉरिटी नहीं ले सके कि आप एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सकें इंडिपेंडेंस को ज्वाइन किया गया उस वक्त सेलिब्रेशन होती थी उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं था जहांगीर तरीन इज़ ऑन द रेक टू बी लाइक कि किस तरह मैं जहाज उड़ाया और गवर्नमेंट बनाई तो आप खरीद ही रहे थे ना और क्या कर रहे थे उस टाइम तो अगर आपकी एक अलायंस एलाइज के साथ गवर्नमेंट बनी हुई है एंड द एलाइज बैक आउट इन यू लॉस द गवर्नमेंट दिस इज वेरी मच डेमोक्रेटिक अब पीटीआई कहेगी नहीं जी ये इस्टिशमेंट ने हमारे एलाइज तोड़वाए जो पीडीएम है वो कहेगी कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने एलाइज रखे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट जब पीछे हटी तो यू लॉस्ट योर एलायज़ इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक सिंपल बाइनरी बनाते हैं पी एंड आई इस्टेब्लिशमेंट और उनका फड्डा है जो कि सबसे लेजी और अन इन्फॉर्म्ड एनालिसिस है हाल ही के जो वाक्य हैं उन्होंने हमें दिखाया है कि हमारा जो एक परसेप्शन था कि इस्टेब्लिशमेंट एक यूनिटरी इदारा है पहले तो इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है आपकी जुडिशल लीड आपकी फाइनेंशियल आपकी ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोटिकलीड आपकी पॉलिटिकल लीड सब मिल मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट बनती है लेकिन अगर हम सिर्फ मिलिट्री का इदारा भी देख लें या इंटेलिजेंस भी देख लें उसमें भी हमने देखा हाल ही में मसले मसाइल होते हैं एवरीबडी इज़ नॉट ऑन द सेम पेज तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वोट इमरान खान शुड हैव छुड़ाफानस के वो अपोजिशन में बैठ जाते डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते उन्होंने कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की एक झूठ के ऊपर पूरी नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व करने की वो तो अब ख़ुद उन्होंने मान लिया है इसमें भी एक बड़ी सिमेंटिक सी वो चलाकी करते हैं वो कहते हैं नहीं साइफ़र तो एक हकीकत है बिल्कुल साइफ़र एक हकीकत है एक साइफ़र आया था क्या बातें हुई थी उसमें हमें एक्जैक्टली exactly नहीं पता बट कुछ इस तरह की बात हुई थी कि किसी डिप्लोमेट ने असद मजीद को ऑफ द रिकॉर्ड ड्यूरिंग अ लंच फेयरवेल लंच कहा गया कि यार अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना हो अगर आप किसी भी डिप्लोमेट से बात कर लें हमारी पॉडकास्ट में मुशरफ जैदी आ चुके हैं जिनको कोई जियाला या पटवारी नहीं बोल सकता हुसैन हकानी आ चुके हैं जो फॉरेन ऑफिस में काम कर चुके हैं मिलिया लोधी टीवी वी पर जाके बोल चुकी हैं जो कि पी के दौर में एक फ़ॉरन डिप्लोमैट थी कि इस तरह की बातें कॉमन प्लेस हैं रेगुलरली है, होते हैं ये तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉमेसन है आप गूगल कर लें कि यूएस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने डी हुए हैं होते रहते हैं ये कॉमन प्लेस कॉन्वर्जेसन है डिप्लोमेट्स इसी तरह एक दूसरे से बात करते हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने भी बोला था वहाँ पर कि ट्रंप हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैड पुट ऑल देर एग्ज इन द ट्रम्प बास्केट तो हम क्या बोले इमरान खान यू में रिजीम चेंज चाह रहे थे बिकॉज दे सेड इट वुड बी बेटर फॉर पाकिस्तान टू हैव ट्रम्प कम इन एज द नेक्स्ट प्रेजिडेंट तो वो कहते हैं साइफर हकीकत है बट उनकी जो वो पूरी की पूरी कैंपेन थी जिसकी बेसिस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट करना चाहते थे कि अमेरिकन साजिश हुई है अमेरिका ने ये ज़मीर फरोश अपोजिशन को ख़रीदा है ये सब अमेरिकन एजेंट्स हैं और इन्होंने मेरी हुकूमत कराई है कंप्लीट यू टर्न हो चुका है उस पर कंप्लीट बैक ट्रैक हो चुका है उस पर और अब इमरान खान हैज़ गॉन ऑन द रेक टू से कि जिस तरह जिस तरह चीज़ें सामने आई मुझे समझ में आया कि इम्पोर्ट नहीं थी एक्सपोर्टेड थी जनरल बाजवा ने एक्चुअली अमेरिका को बताया कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ ये वही इमरान खान हैं जो कहते थे कि ता तालिबान है ब्रोकन द शिकल ऑफ स्लेवरी जिन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लकिन को इग्नोरेंट कहा तो मुझे नहीं पता जनरल बाजवा को क्या ज़रूरत थी अमेरिका को बताने की क्योंकि खान साहब के जो बयान हैं देर पेटी मच पब्लिक इंफॉमेशन उसके अलावा जनरल बाजवा इज़ दी ओनली वन जो पॉलिटिशंस को यू you नो know, प्रेशर एग्जर्ट करके गवर्नमेंट गिरा सकते हैं या गवर्नमेंट चला सकते हैं तो उनको बाइडन की क्या ज़रूरत थी अगेन नो क्लैरिटी और एविडेंस क्या दिया गया कि ये देखें तस्वीरें फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं ये इन गद्दार पॉलिटिशन से मिल रहे हैं तो आज आज इमरान खान हर फॉरेन डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इमरान खान की जूम कॉल रिलीज हुई जिसमें वो कह रहे हैं मैक्स प्लीज मैक्स मैक्स जस्ट वन स्टेटमेंट फ्रॉम यू फ्राम यूरसी तो उस जूम कॉल में तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बुरा कह रहे हैं आर्मी को भी बुरा कह रहे हैं तो ये रिजीम चेंज नहीं है उसमें वो जो स्टेटमेंट मांग रहे हैं ये रिजीम चेंज नहीं है ये तो बहुत ज़्यादा एविडेंस है बेस्ड ऑन इमरान खान ओन लॉजिक जो उन्होंने बनाया था क्राइटेरिया उससे तो ये बहुत आगे जाकर एविडेंस यहां पर हमें नजर आ रहा है तो ये रिजीम चेंज नहीं है सारा एंटी अमेरिकनिज्म खत्म हो गया क्योंकि अब उनको अमेरिका की हेल्प चाहिए मिलियंस उन्होंने स्पेंड किए हैं लॉबिंग में इवन ड्यूरिंग पीटीआई स्टेन्यूर उन्होंने लॉबिंग फॉर्म्स वहां पर हायर की थी जिसके डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो चुके थे उजैर यूनस ने पोस्ट किए थे अगेन अमेरिका में एक राइट टू इंफॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हद तक अब तो शहबाज गिल एक फॉरन एजेंट रजिस्टर हो चुके हैं यूएस में See, my government was uh, removed by the ex army chief because army's military establishment is very powerful here so he uh, conspired with the uh, with the with the people who are in power right now the american conspiracy theory that went down the drain usi tarah jis tarah 2014 mein imran khan puncture laisi najam setti ne uski basis pe pure dharne इमरान खान जॉन द रेड उसे कि जी मुझे तो शायद मसूद ने बताई थी ये बात शायद मसूद जोन द रेकेटेट उसे वो गलती हो गई मुझे गलत किसी ने बताई थी इस बात में कोई सच्चाई नहीं आई एम सॉरी नजम सेटी शायद मसूद ऑन टी वी हैज़ अ टू नजम से तो एक झूठ के ऊपर दो हज़ार चौदह की मूवमेंट चली उसके बाद एक झूठ के ऊपर वोट नो कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़ जो पूरी एक मूवमेंट चली जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की पूरी डेमोक्रेसी पूरे सिस्टम को सबवर्ट करने की कोशिश की अक्सर लोग कहते हैं कि जी मे नाइन्थ पे जो हुआ वो दैट्स पाकिस्तान जनवरी झूठ बात है दो हज़ार में हमारा जनवरी सिक्स हो चुका था उस वक्त जो पॉपुलर मीडिया है उसका सपोर्ट पी की तरफ था तो उन्होंने उस तरह उसको रिपोर्ट नहीं किया गया कि भाई क्यों एक पार्टी पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर रही है क्यों एक पार्टी पी को टेक ओवर कर रही है वायलेंटली डंडे लेकर लोग गए हुए थे अगेन वील ऑफ इग्नोरेंस मैं आपको कहता रहता हूँ कि इमेजिन करें टी एल पी ने ये किया होता है इमेजिन करें टी टी पी ने ये किया होता इमेजिन करें लाल मस्जिद वाले जो लोग थे उन्होंने ये किया होता वो तो आप लोगों को जज्लत लगते लेकिन क्योंकि आप लोगों को इमरान खान पसंद थे और वो ये कर रहे थे तब आपको ये चीज़ें टेररिज़म नहीं लग रही थीं फवाद हसन फवाद हज सेट के वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और एक मॉब आ रहा था और उन्होंने पुलिस को बोला कि आप मॉब को क्यों नहीं रोक रहे दो हज़ार चौदह में और पुलिस ने बोला कि जी हमारे पास ऑर्डर नहीं रोक सकते तो उस टाइम अगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के नवाज शरीफ को निकाल देते और मॉब वायलेंस होता तो, तो दैट वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान तो जो ये एक जहन साजी इतने सालों में की गई है ना ये जो एक फ़िफ्थ जनरेशन वॉरियर्स बनाए गए हैं इसको फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है इन अंडरस्टैंडिंग द करंट क्राइसिस ये कोई इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टैब्लिशमेंट जंग नहीं है आ, पी टी इज़ एन इस्टैब्लिशमेंट पार्टी वो इतनी जल्दी टूटते हुए हमें इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये पॉलिटिशियंस सालों साल इस्टैब्लिशमेंट के साथ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के सिग्नल्स पे चले हैं उनकी कटपुतलियाँ रहे हैं तो ये एंटी इस्टैब्लिशमेंट हो भी नहीं सकते थे आपको लगता है फवाद चौधरी एंटी इस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट चलाएँगे खुदा का खौफ करें फवाद चौधरी जो पी को टी के स्पोक्स पीपल टी टी पी आर एफ अलवी को उन्होंने बोला था कि ये टी के नुमाइंदे हैं जब वो पीटीआई में नहीं थे वो किसी और पार्टी से अपना पेचक ले रहे थे तो वो पीटीआई के बारे में इस तरह की बातें करते थे तो उनसे प्रिंसिपल आइडियलिस्टिक पोजीशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी वोट ऑफ तो नो कॉन्फिडेंस होता है उसके बाद पंजाब असेंबली में जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्सटी ए में इंटरप्रिटेशन की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है इन क्रिएटिंग दिस क्राइसिस उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की चलो जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया और कोई फैसला वो दे भी नहीं सकते थे उसमें तो जी हम बैलेंस कर दें पंजाब असेंबली में इनके फेवर में दे दें आपका काम नहीं है ना पॉलिटिक्स करना सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट बी इन्वॉल्ड इन पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट अंडरवाइन द विल ऑफ टू हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन पीपल एंड डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ दैम आप उनसे बड़े नहीं हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फॉर अ मखसूस पीरियड आपको दो हज़ार टू फोर्टी मिलियन पीपल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं इलेक्ट किया यू आर बाउंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन यू कॉन्ट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्सटी थ्री के इंटरप्रटेशन में ये हुआ उसकी बेसिस पे पंजाब असम्बली चेंज हुई उसके बाद पंजाब असम्बली पी टी आई के, के कंट्रोल में आई परवेज़ इलाही बने चीफ मिनिस्टर इमरान खान ओ परवेज़ इलाही ने ऑन द रिकड बोला कि जनरल बाजवा ने मुझे बोला था कि इमरान खान को ज्वाइन करो इमरान खान इज़ ऑन द रेक टू से जी मुझे जनरल बाजवा ने आफ्टर ही हैड सीज टू बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने बोला कि पंजाब असेंबली डिजोल्व कर दो तो जी आप अगर इतनी एंटी इस्टेबलिशमेंट पार्टी हैं और आप आकर पब्लिकली कह रहे हैं मीर जाफर हैं मीर सादे हैं पाकिस्तान की कौम आपको कभी नहीं फुरगिव करेगी प्राइवेटली आप कंसल्टेशन कर रहे हैं उनकी बातें मान रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं बिहड दीन्स वो क्यों कर रहे हैं उस पर आते हैं बट यू हैव टू क्वेश्चन पी टी एस पॉलिटिक्स एज वेल राइट इवन जब उन्होंने ब्लेम किया जनरल फैसल नसीर को कि ये ही वॉज बिहड माई असिनेशन एराज सैद हैज रिपोर्टेड कि वो एटलीस्ट दो दफ़ा दो से भी ज्यादा दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि मेरे जनरल फैसल नसीर से मुलाकात हो जाए जनरल आसिम मुनर से तो उन्होंने मल्टीपल तो दफ़ा कोशिश की कि यार मेरे से बात हो जाए इमरान खान खुद मान चुके हैं कि आई मेड तो से जनरल आसिम मुनर भाई आप किस बेसिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहे हैं आप एक ऑपोजिशन लीडर हैं आप क्यों मिलना चाहते हैं आप ऑपोजिशन के साथ बैठें आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की क्यों भीगें कर रहे हैं एक तरफ आप बोलते रहते हैं कि जी जनरल बाजवा से बुरा कोई इंसान ही नहीं था पाकिस्तान बर्बाद जनरल बाजवा ने किया है वही जनरल बाजवा जिसको आपने एक्सटेंशन दी चलें आपने मान लिया कि मैंने बहुत धोखे खाए मेरी जजमेंट इतनी बुरी थी कि मैंने वो एक्सटेंशन दे दी चलें ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम तो आपको ये सब सब समझ में आ गया था ना उस वक्त आपने क्यों एक लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफर की जनरल बाजवा को असद उमर एंड इमरान खान बोथ हैव एडमिटेड कि हाँ हमने एक एक्सटेंशन ऑफर की थी जनरल बाजवा को आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका है इमरान खान जलसों में मीर सादिक मीर जाफर बोल चुके हैं उसके बाद आके इमरान खान ने पब्लिकली बोला कि इलेक्शंस तक या एक शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी जा सकती है ये किस किस्म की बातें हैं ये वही टाइम है जब इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट जर्नलिस्ट हैं कामरान खान जैसे वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि जंग के टाइम एक सिपा सालहार को नहीं बदला जाता सो so, एक कैंपेन थी टू गिव जनरल बाजवा एन एक्सटेंशन यहाँ आप लोगों को लिड फिंगर की गेम ऑफ थ्रोन्स में बात याद आएगी कि के ऑस इज़ अ लैडर हमें लगता है इलेक्शंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ें नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो कुर्सी है जो पोजिशन है उस पर जो गेम ऑफ थ्रोन्स खेला जाता है दैट्स द रियल पोलिटिकान पॉलिटिशन वो एक थिएटर ड्रामा है जो आप लोगों को सामने सामने नजर आता है असली गेम पीछे से खेली जाती है वट यू सो ओवर द पास्ट ईयर वॉज एन इंट्रा इस्टेब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्टॉर द पोजिशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान जनरल फैज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे इस बात पर किसी को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिस बात पे आप लोगों को डाउट होना चाहिए फेयर डाउट होना चाहिए वो मेरा बिलीफ है ये मेरे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है मेरा ओपिनियन है कि इमरान खान जनरल फैज़ और ये लोग सब एक टेन ईयर प्लान बना कर आए हुए थे उसका एविडेंस ये है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि पोलिटिकल अपोजिशन को किस तरह जेल में डाला गया फिर प्लान ये था अगेन ऑब्वियस कि इमरान खान इफ़ ई स्टेज़ इन पावर तो वो जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे आ, जिस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है जो बिल्कुल ही कन्जेक्चर है मेरे एंड पे तो मैं आप लोगों को खुला बता रहा हूँ कि ये मेरा एक गेस्ट वर्क है या मेरी एक थ्योरी है कि चीफ जस्टिस बंदयाल को भी एक्सटेंशन देने का इरादा था ताकि जस्टिस काजी फैज चीफ जस्टिस ना बन सकें सो इमेजिन वर्ल्ड वे चीफ जस्टिस बंदयाल को एक्सटेंशन मिल चुकी है जनरल फैज चीफ ऑफ आर्मी साहब बन चुके हैं और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं उस दौरे इस्टैब्लिशमेंट इस, में जब इलेक्शन होते तो शायद दो हज़ार अठारह से भी कई गुना ज्यादा रेगड होते अगेन कंजेक्चर स्पेकुलेशन आई एग्री विध यू क्यों मेरा यह कंजेक्चर है वो इस वजह से है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि किस तरह काजी तस्काजी ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया कोशिश की गई कि इनको हटा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट से सो so, हाउ वुड दे हैव स्टूड टू सी हिम बिकम चीफ जस्टिस नहीं बनने देते ना जब ज़ाहरी बात है आप उनको सुप्रीम कोर्ट पर एक जज नहीं रहना रहने देना चाहते थे तो आप उनको चीफ जस्टिस क्यों बनाते एंड पी डी एम को आप जितना क्रिटिसाइज करें दैट द शॉर्ट दम सेल्व इन द फुट आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट वन हैज टू रियलाइज़ कि भाई वो पॉलिटिशन है उनको पॉलिटिक्स हमसे बेहतर समझ में आती है जी हमें लगता है वो जाहल हैं क्योंकि दे डोंट uh, मे बी लॉटर दम डिनगोटू के जी एस मे बी लॉटर दैम डिनगोटू एच एस एन तो वो लगता है कि जी पेंडू से लोग हैं जाहल से लोग हैं गाँव से उठ कर आ जाते हैं बट उनको पॉलिटिक्स समझ में आती है दे सौ देर ऑप्शन के या तो जेल में मरो नैप के केसेस भुगतो या गवर्नमेंट में आ जाओ दी अदर ऑप्शन के अगर आप वोटर नो कॉन्फिडेंस ना करो दैन दिस इज दिनारी इन फ्रंट ऑफ यू जनरल फैज़ एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस बंदयाल एंड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर फिर क्या होना था अपोजिशन का वो अल्लाह ही मालिक है तो ये सब एक्चुअली नहीं हो सका जनरल आसिम मुनीर का जब वक्त आया उनकी सिलेक्शन का तब इमरान खान ने एक रैली निकाली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन साइड इस्लामाबाद वो राहुल पिंडी गए क्वाइट क्लियर था क्यों जा रहे हैं वो रा पिंडी वो जा रहे थे जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए ये आपने फ्रंट पे देखा बिहाइंड द सीन्स जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे इंटेलिजेंस में जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया आसिम मुनीर का फैमिली रिकॉर्ड नादरा से लीक करवाया ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि पी ने हर इदारे में ऐसे के लोग रखे हुए थे ये वही हायरस हैं जिन्होंने फैमिली डेटा उनका लीक किया उसके अलावा एक फ्रेंडली कंट्री वेरी वेरी फ्रेंडली कंट्री उसकी एम्बसी के थ्रू उनको लीक करवाया गया कि जनरल आसिम मुनीर का शायद सेक्ट वो नहीं है जो लोगों को लगता है वो है जिसकी वजह से उनके अपॉइंटमेंट रुक जाए तो इस तरह के डर्टी गेम्स खेले जा रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन जाए पब्लिक रैलीस में इमरान खान इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई शबाज़ शरीफ और नवाज शरीफ का कोई हक़ नहीं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट करें और अगर वो सेलेक्ट करेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो गलत होगा तो पूरा एक पब्लिक कैंपेन हो रही थी अगेन जनरल आसिम मुनीर अपॉइंटमेंट वाई वॉज़ दैट हैपनिंग एज डी जी आई Uh, जब वो ऐसा के चीफ थे जनरल आसिम मुनीर इमरान ख़ान ने उनको हटाया ये बात रिपोर्टेड है कि जनरल आसिम मुनीर हैड ब्रॉट करप्शन का एविडेंस अगेंस्ट बुशरा बीबी एंड फराग टू इमरान खान इसमें भी इमरान खान ने बड़ा एक समांटिक uh, फ़र्क बनाया है उन्होंने ट्वीट किया इट इज़ फेक दैट जनरल आसिम मुनीर ब्रॉट प्रूफ्स ऑफ बुशरा बीबी करप्शन टू मी तो प्रूफ्स तो नहीं है बट कुछ तो लाए थे ना आपके पास ये भी अब इमरान खान एडमिट कर चुके हैं कि जी उन्होंने अनसेरामोनियसली अन टाइमली जनरल आसिम मुनीर को हटाया ये बात वो मान चुके हैं वो कहते हैं मैंने इसलिए हटाया बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद हाउ आई एस आई वो जरान उसके बाद जनरल फैज़ ने किस तरह आईस आई चलाई इमरान खान के बहस पर वो तो सबके सामने ही है तो एक इमरान खान की इंटरफियरेंस एक इमरान ख़ान का कंट्रोल एक इमरान खान की चाहत के जी आई एस आई को मैं एक अपना पी टी आई का पोलिटिकल विंग इंटेलिजेंस विंग बनाकर चलाऊँ ही हो जाती है चीफ आया है इसको टाइम देना चाहिए हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी है जनरल की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने हाफिज़ कुरान है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यह अमर मूफ पे चलेंगे जब जनरल आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो दैन इमरान खान कूल डाउन ऑन जनरल आसिफ मुनीर अपॉइंटमेंट उन्होंने फिर इस तरह की बातें भी की कि मैंने सुना है बहुत अच्छे आदमी हैं तो वो मिलना चाहते थे मल्टीपल टाइम्स मिलना चाहते थे इमरान ख़ान ने बड़े क्लोजली मल्टीपल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मल्टीपल हेड ऑफ़ आई के साथ काम किया है तो वो उनको लग रहा था एक इधर भी कोई डील मिल सकती है कुछ आ, बात बन सकती है यहाँ पर आपको बहुत अनफॉर्चुनेट लगेगा लेकिन पाकिस्तान की हकीकत पाकिस्तान की सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक रैलीज़ होती हैं वो एक शो ऑफ फोर्स होती हैं ताकि इस्टेबलिशमेंट को नजर आए कि यार अच्छा लोग हमारी तरफ हैं तो आप भी हमारी तरफ आ जाएँ Uh, इमरान खान कुड नॉट पुल दोज नंबर्स जिसकी वजह से कोई रेवोल्यूशन आ जाए जिसकी वजह से इस्टबलिशमेंट चैलेंज हो uh, जितनी भी लॉन्ग मार्चज हुई क्या उसमें लोग थे बिल्कुल थे क्या जलसे बड़े थे बिल्कुल थे अनडाउटली थे क्या वो इतने बड़े थे कि इस्टबलिशमेंट को कोई टेंजबल ख़तरा हो जिसकी वजह से उनको लगे कि नहीं हमें हुकूमत गिराने की ज़रूरत है नहीं इमरान खान वो इज़ नेवर एबल टू तो रीच दैट क्रिटिकल मास उन्होंने जो लॉन्ग मार्च भी की उसमें उन वो जितने लोग चाह रहे थे उतने भी नहीं आए दिस इज़ माई शफक़त महमूद वॉज रिमूव फ्राम पंजाब क्योंकि वो लोग नहीं लेकर आ सके जितने वो लोग चाह रहे थे तो सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरे मुल्क ने इतना बड़ा क्राइसिस फेस किया उसके बाद थिंग्स शुड हैव सेटल डाउन एंड दे डिड सेटल डाउन फॉर अ फ्यू मंथ्स लेकिन फिर जब असम्बलीज डिज़ोल्व हुई अगेन क्यों इमरान खान जनरल बाजवा से कंसल्ट कर रहे थे असम्बली रिजॉल्व करने से पहले गॉड नोज लेकिन वो हुआ इधर आई एग्री विद पी टी पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट क्लियर के जी नबे दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए ये इनकी बिल्कुल एक बजा डिमांड थी इससे जो क्राइसिस क्रिएट होता है वो भी क्वेश्चनेबल है कि भाई पंजाब में सब फोकस कर रहे हैं पंजाब में अगर इलेक्शंस हो गए एंड आपको पता है पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट आ रही है तो फिर आप नेशनल इलेक्शंस कैसे करवाएंगे राइट right? लाइक like, इट्स ऑब्वियस कि जो पंजाब कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है तो जब सारे सिस्टम सारी ब्यूरोसी सबको पता है पंजाब कौन कंट्रोल करता है तो उसके कोई छः महीने बाद अगर सिंध में बलोचिस्तान में इलेक्शन होंगे के पी में भी के पी में भी अभी कोई फोकस नहीं है इन इलेक्शन तो उसका एक इंफ्लुंस उसके ऊपर होगा इट्स 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 थिंग्स दैट वॉन्ट शुड पॉन्डर ओवर वो जो एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है दैट पी टी आई स्टिक्स विथ Uh, वो एक आयरॉनिक है बिकॉज इन मल्टीपल केसेस पी टी आई इज़ नॉट स्टक टू दैट स्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पी टी आई के लोगों ने जब इस्तीफे दिए तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट क्लियर कि साठ दिन में जी इलेक्शन होने चाहिए वहाँ पर पी टी आई के लीडर्स ने स्टे लिया हुआ है कि जी हमारी सीटों पर इलेक्शन ना करवाएं जब आपने रिज़ाइन कर दिया फिर आप पार्लियामेंट में वापस भी आना चाहते हैं बाई इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते उस सीट पर तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हजब ज़रूरत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ चीफ जस्टिस बंदयाल का जो ह्यूब्रस है उसने भी पाकिस्तान को बर्बाद किया जब इतने इल्ज़ाम बेंच फिक्सिंग के लग रहे हैं जब ऑडियो लीक्स हो रही हैं जिसमें रबते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऑपोजिशन लीडर्स के साथ परवेज़ इलाही के साथ क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं आपको चाहिए कि आवाम का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करें सुप्रीम कोर्ट में एक फुल बेंच कर दें फुल बेंच का फैसला आ जाएगा वो क्वेश्चन नहीं होगा फर्दर आपने उस एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अपने ह्यूबरस अपनी अना के चक्कर में डीपन कर दिया बर्बाद कर दिया कि नहीं भाई ये लाइक माइंडेड जजेस ही बैठेंगे और लाइक like माइंडेड फैसले ही देंगे और जो मेरे खिलाफ सोचेगा उसको मैं बेंच पे भी नहीं बिठाऊंगा केस भी नहीं सुनवाऊंगा ऑन व्हाट बेसिस मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैव पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और इस प्रॉब्लम और इस क्राइसिस का भी सोल्यूशन कभी मिलिट्री के पास नहीं था कभी जुडिशरी के पास नहीं था हमेशा से यही था कि पॉलिटिशन आपस में बैठे और उसका सोलूशन बनाए और वो हो गया पीटीआई ने एक नेगोशिएटिंग टीम बनाई जिन्होंने पीडीएम के साथ नेगोशिएट किया दे सैट इन अ रूम दे अग्रीड कि जी 30 सितंबर या फर्स्ट अक्टूबर को इलेक्शन होगा एंड यहां पर भी चीफ जस्टिस बंदयाल की एक खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो उन्होंने खुद बनाई है चीफ जस्टिस बंदयाल ने बोला कि वैसे तो नाइन्टी डे रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर गवर्नमेंट इमरान खान के साथ बैठ जाएगी और इमरान खान कोई और डेट मान लेंगे तो हमें वो भी कबूल है अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है खैर ये हो गया थर्टीत सेप्टेम्बर फर्स्ट अक्टूबर इलेक्शन पी डी एम हैज़ अग्रीड पी टी आई की निगोशिएटिंग टीम हैज़ अग्रीड जिसमें शाह महमूद क्रैशी थे आई बिलीव या फवाद चौधरी थे और एक और इंसान थे उन्होंने इमरान खान को फोन किया उन्होंने बोला हम जरा बाहर जा रहे हैं और इमरान खान को बताया अच्छा जी एग्रीमेंट हो गई है इमरान खान ने बोला नहीं मैं तो नहीं अग्री कर रहा अगर आपने अग्री ही नहीं करना था तो आपने नेगोशिएटिंग टीम क्यों भेजी अब पोलिटिकल सोलूशन इज़ ऑन द टेबल ऑल पार्टीज ऑल स्टेक होल्डर्स हैव अग्रीड ऑन दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड राइट आपकी अगर डिमांड थी मुझे इलेक्शन 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 चाहिए आपको मिल गए ना इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब टाइम है जो गवर्नमेंट का पूरा टाइम है वो पूरा होगा और सब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे परफेक्ट राइट जिस सिट बैक रिलैक्स ये भी मैंने बार बार इमरान खान को एडवाइस की कि हर चीज़ पर न्यूक्लियर नहीं जाना होता उन उनका एक मसला ये है कि उनके अराउंड जो उनके मुंशी बैठे हैं ना वो कहते हैं जी इमरान खान आप जो बोलते हैं बस इससे खूबसूरत तो किसी के अल्फाज ही नहीं है तो वो मान लेते हैं पाकिस्तान में जो लीडर्स आए नवाज शरीफ का अमीरुल मोमिनीन बनना था जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत आटोक्रेटिक थे इमरान खान एक वन मैन शो हैं उनको लगता है कि हबीब जालिब ने वो शायद सेटायर नहीं लिखा था कि ये जो दस करोड़ हैं जहलखान का निचोड़ हैं वो वाकई मानने लग जाते हैं कि मैं ही सिर्फ कुल कुलूँ मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता और ये एक इमरान खान का थ्रू आउट मसला रहा है कि वो एक एंटी पॉलिटिक्स पॉलिटिशन है टीएलपी ने जब उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सड़कों पे पुलिस वाले मारे उन्होंने उनसे बात कर ली डील कर ली टी, -टी के वो ऑफिसर्स खोलना चाहते थे रीहेबलीटेट करना चाहते थे उनसे बातें करना चाहते थे जनरल फ़ैज़ हमीद की तस्वीर आई कि वो अफ़गानिस्तान में सरिना में चाय पी रहे हैं सो उनसे वो बात कर लेंगे उनके साथ वो बैठ जाएंगे पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ वो नहीं बैठेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो मिलने की भीखे मांगेंगे एक आदमी जो वो कहते हैं इन्होंने मुझ पर गोली चलवाई उनसे मिलने की वो भीखे मांगेंगे लेकिन पोलिटिकल अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे इस वक्त जब उनके पास कोई पावर नहीं है तब भी नहीं बैठ रहे जब उनके पास पावर थी जब उनको जर्फ दिखाना चाहिए था जब नवाज शरीफ इन पावर एंड इमरान खान उनके खिलाफ धरने कर रहे थे हर तरह की बदतमीज़ी कर रहे थे पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया था उसके बाद ए हुआ इमरान खान को इन्विटेशन गई कि यार आप आएँ हमारे साथ बैठे और वो बैठे एंड समथिंग गुड केम आउट ऑफ दैट वो एक वोलिटिकल कंसेंस डिवेल्प हुआ अगेन वो चीज़ हो सकती थी इमरान खान वेन ही वज इन पावर नेशनल सिक्योरिटी के मसले इंडिया ईशूज़ उस पर भी वो अगर पोलिटिकल अपोजिशन में तो वो जाके नहीं बैठते थे तो आप को जो वोट ना दे उसके वोट की आप इतनी इज्जत करते हैं कि आप उनके रिप्रजेंटेटिवस को इंसान ही नहीं समझते आई टोल्ड यू दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो लेकिन ये सारी चीज़ें इन कॉन्टेक्ट समझना ज़रूरी है कि ये क्राइसिस सुबह उठे और क्राइसिस नहीं हो गया नाइन्थ में इट डि नॉट हैपन आउ टू नो वेयर सो पॉइंट नंबर टू यही है द करंट क्राइसिस मैंने मे टेंथ को ही ट्वीट कर दिया था जब पी टी आई वाले सेलिब्रेशन कर रहे थे कि हमने तो मे नाइन्थ पर पता नहीं क्या उखाड़ दिया क्या सक्सेस ले ली और मैंने मे टेंथ को ही बोला था कि यू डग योर ओन ग्रेव जब अनइनफॉर्म्ड ए हिस्टोरिक एनालिस आते हैं जिन लोगों को ख़ुद कुछ नहीं समझ में आता वो लीड कर रहे होते हैं तो फिर यही होता है कि चे वैरह बनने की ख्वाहिश में चे वैरह ये लोग बन जाते हैं मतलब भांजे जो हैं ख़ान साहब के इन जैसे बेवु, बेवुक बेवकूफ़ाना अहमकाना बदतमीज़ लोगों को आप पार्टी में रखेंगे हसन न्याजी ने पहले एक हस्पताल को अटैक किया वो भी एक वीडियो है जब वो लॉयर्स लॉय लौयर, जब वो लॉयर थे जब लॉयर्स ने डॉक्टर्स I forgot the name of the hospital. उसको जब अटैक किया था इमरान खान कहते हैं जी हमारे तो लोग नहीं थे वीडियो में हसन न्याजी नजर आ रहे हैं फ्रंट एंड सेंटर कोर कमांडर की पैंट लेके उसकी वेस्ट की साइज बता रहे हैं ये तो आपके भांजे हैं ना बेटी नहीं है कि आप इनसे लातालुकी का इजहार कर दें भाई साहब की वेस्ट का साइज है हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे मैं तो नहीं कहता मेरे सपोर्टर्स कहते हैं मैं रेड लाइन हूँ तो मैं क्या बोलूँ उनको मैं रेड लाइन नहीं हूँ पॉलिटिशन्स रेड लाइन नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन रेड लाइन होती है ह्यूमन राइट्स रेड लाइन होते हैं अभी हमने असलम ख्वाजा के साथ एक पूरी पॉडकास्ट की कि उसमें उन्होंने बताया क्यों एम uh, आर डी मूवमेंट में जो जवान थे वो जेल जाने के लिए तैयार थे क्योंकि उनको पता था उनके लीडर्स जेल में उनके लीडर्स जेल से नहीं भागे खान साहब ये हैं जो रातों को सिग्नल देते थे कि भाई जमान पाग पहुंचो शायद मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं कि जिस तरह बिग बॉस चल रहा हो ना कि बिग बॉस चाहते हैं आप रात को जमान पाग पहुंचे इतना उनको अरेस्ट से खौफ था हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर लिया है कि अलकादर केस में मेरिट है हम कह सकते हैं कि उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो गलत है और द मोमेंट इट हैपेन्ड मैंने उसी वक्त कंडेम कर दिया था दी ऑप्टिक्स ऑफ इट आर टेरेबल द वे ही वॉज अरेस्टेड वॉज टेरेबल कोर्ट में घुसकर रेंजर्स अरेस्ट कर करें टेरेबल पर किस तरह अरेस्ट करें तमीज़ से पुलिस को जब जमान पार्क भेजा आपने उन पर पे पेट्रोल बॉम्ब्स मार दिए हम कहते हैं भाई मैं ना ही पी टी आई ने नहीं प्लान की लेकिन जब जमान पार्क पे पुलिस गई थी अरेस्ट करने और उन पर पे पेट्रोल बॉम्ब्स मारे गए वो तो पी टी आई ने सेलिब्रेट किया उसकी जो वीडियोज़ हैं उसके टिकटॉक्स बनाए कि मेरी कॉम जाग गई है वाओ वो डंडे लेके लोग खड़े हुए थे वही लोग जो उस दिन भंगड़े डाल रहे थे कि इमरान खान हम आपके साथ खड़े हुए हैं उनमें से एक साहब का ट्वीट आया है कि मैं दिन दिन घर बदलता रहता हूं छुपता रहता हूँ मेरे घरों पर रेड होती है और इमरान खान कहते हैं मैं तो पी का वर्कर ही नहीं था तो उन्हीं लोगों को इमरान खान ने आप डिसोन कर दिया साहब के घर के बाहर मौजूद है आप देख ले जाने वाले उनके खड़े हुए इधर ये बीबी कोई नहीं गया नौजवान डट के खड़ा है खान साहब तगड़े रहे नौजवान डट के खड़ा हुआ है ये देखे कोई ऐसी गैस वाटर कैनन पथराव के बावजूद कई घंटों से ये जो बोलते थे 10 मिनट में खाली करवा लेंगे उनको लग समझ गई है कि 10 मिनट में कैसे खाली होता है मल्टीपल टाइम्स इमरान खान के पास मौका था कि टेंपर्स को और फ्लेयर ना करें ठंडा कर दें जब उनको कोर्ट भी बुलाया गया उन्होंने बोला जी मैं कोर्ट नहीं आ सकता ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स मूव हूं जजेस उठकर कर वहाँ आ गए कि सर हम वहाँ पर आ जाते हैं वो जो मुस्तफ़ा चौधरी ने भूटान की अदालत बनाए इट्स लुकिंग लेस एंड लेस सेट आए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी गए दरवाजे तोड़े एक मॉब था उसके बाद भी गाड़ी से नहीं उतरे उसके बाद उन्होंने जिस डॉक्यूमेंट पर साइन किया वो डॉक्यूमेंट किसी को नहीं मिला तो इस तरह तो जस्टिस का मजाक उड़ाया जा रहा था और लोग कह रहे थे हाँ वो पॉपुलर हैं तो वो ये कर सकते हैं सो so, कोई जस्टिस की पॉसिबिलिटी नहीं थी साथ साथ एक पूरी कैंपेन चल रही थी इमरान खान को जब गोली लगी फवाद चौधरी की एक पूरी वीडियो है जिसमें वो कहते हैं आपके लीडर को गोली लगी गई है बदला लो आ, इवन जब आईएमएफ हो रहा था जो उसमें शौकत तरीन की लीक फ़ोन कॉल है उसमें जब एक साहब कहते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान का नुकसान होगा अगर हम आई को रोक देंगे तो शौकत तरीन जवाब देते हैं और आपके लीडर की जो इंसल्ट हुई वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं है सो इमरान खान एज़ अ पर्सन

हम बंदूक वाली पार्टी नहीं है लेकिन हमारे लीडर के ऊपर बंदूकों से हमला किया गया है उस दिन लोग जो इसके पीछे है वो कार खुल के सुन ले आप कान खोल के सुन ले हम इसका बदला ले गए स्पीचेस so, में कहा जा रहा है जी मुझे मारना चाहते हैं मुझे मारना चाहते हैं एक पूरा प्लान है एक मुनजम प्लान है कि मुझे मार देंगे मुझे मार देंगे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ उस पर उन्होंने बता भी दिया कि किसने किया उसके बाद आप कहते हैं कि जी बिल्कुल हमारा प्लान था जी एच क्यू और कोर कमांडर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना जैसे पी टी आई पोजिशन ये वो नहीं आप डिनाई कर सकते क्योंकि अब तो वीडियोस सामने आ चुकी हैं जिसमें पी टी आई के लीडर्स खुद लीड कर रहे हैं तो टू पीपल टू तो कोर कमांडर हाउस एंड जी एच क्यू तो ये खुद भी इमरान खान ने भी रिसेंटली कहा है कि मुझे जब रेंजर्स ने अरेस्ट किया तो उन्होंने कहाँ जाना था जी एच क्यू और कोर कमांडर हाउस ही जाना था ना ये बात गारंटीड है कि ये प्लान था ये पहले से डिसाइडेड था कि यहाँ यहाँ हम जाएंगे यासमिन राशिद की एक वीडियो है जिसमें वो खड़ी हुई हैं वो कह रही हैं सब इकट्ठा हो जाएं फिर हम जाएंगे सपोर्टर्स को भी बताता अच्छा हमने कोर कमांडर हाउस जाना है तो आप एक मॉब बनाते हैं उसको लेके जाते हैं कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर मैं आपकी पोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट के पास अगर एविडेंस है कि अंदर जाने का भी था आई डोंट नो एनी ऑफ दैट योर पोजिशन इज़ कि हमने एक साल कैंपेन चलाई कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं ये हमारे लीडर को मारना चाहते हैं ये पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं उससे पहले आपने कहा था ये अमेरिकन एजेंट्स हैं मीर जाफ़र हैं मीर सादिक हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं उसके बाद इमरान खान अरेस्ट होते हैं और कंस्परेसी थ्योरीज व्हाट्सएप पर फैलना शुरू हो जाती हैं कि इनको जेल में मार देंगे इनको जेल में मार देंगे जो पी सपोर्टर है यू कैन गारंटी आई कैन गारंटी कि आपको व्हाट्सएप पर ही आया होगा कि जेल में उसको मार देंगे जबकि इम्पॉसिबल था आप इतनी भी अननी नहीं लगी हुई पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट करके जेल में मार दें लॉर्ड ऑफ हैव हैपेंड इन द पाकिस्तान हिस्ट्री विच आर शेमफुल एक जुडिशल मर्डर देखा हमने लीडर्स uh, की असासीनेशन देखी बट दिस वुड स्टिल बी अ रेड लाइन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू डू सो इट वॉज नेवर गोइंग टू हैपन लेकिन आपने वो एक सिचुएशन बनाई पहले ही आप जब इमरान खान को गोली लगी थी आप बोल चुके थे कि तो बदला लो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हम सिंडर ब्लॉक कैरोसिन सब रख के चले गए लेकिन आग हमने नहीं जलाई और हमने लोगों को भी बोला कि यार आग जलानी ज़रूरी है तो वट एल्स डू एक्सपेक्ट वट एल्स इज इंसाइन मेट टू वायलेंस स्टेट का जो इस पर रिएक्शन आया है वो एसिमेट्रिकल है बहुत ज़्यादा है इस तरह नहीं होना चाहिए जियो फेंसिंग में जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे गेहूं के साथ घिस पिस रही है और जो लोग अंदर गए थे वो साथ में ही सबको जेल में उठाया जा रहे है ये डिस्टिशन बहुत ज़रूरी है जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था वो उनका राइट है वो जीएच क्यू बाहर करें कोर कमांडर हाउस के बाहर करें जहां भी करें कैंट में करें पीसफुल असेंबली राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी वायलेंस नो बडी हैजैट राइट राइट अंदर घुसे कोर कमांडर जो हैं उनकी फैमिली घर के अंदर थी ये भी एक वीडियो आ चुकी है तो ये तो एक मॉब वायलेंस है ना अगेन आपके लोग हैं तो आपको अच्छे लगते हैं टी ने यह किया होता आपको कैसा लगता कोर कमांडर आपके एज़ एन इंस्टीट्यूशन जो भी राय है आर्मी के बारे में इंसान है ना यार उसकी फैमिली है आपके बीवी बच्चे होते और एक मॉब घर में घुस चुका होता पी वाले हैं तो आपको अच्छे लग रहे हैं टी वाले होते तो आपको अच्छे लगते लाल मस्जिद वाले होते तो आपको अच्छे लगते मौलाना फजल रहमान के लोग सिर्फ़ एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाज़ा चढ़ रहे थे तो लोग इतने वो हो गए थे कि ये देखें टेररिस्ट आ गए पी की एक रैली हो जाए कराची में तो लोग बोलते हैं यार ये कहाँ से गांव से उठकर आ गए पब्लिक स्पेसेस में होते हैं यहाँ पर किसी के घर में घुस के चीजें जलाई जा रही हैं एंड पीपल आर फाइंडिंग जस्टिफिकेशन फॉर दैट ये कोई ऑर्गेनिक मास रिएक्शन नहीं था उसका एविडेंस मेरे पास ये है कि जितनी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हुई हैं उन्होंने सस्टेन किया है फ्रांस में आपको क्या लगता है फूल बिछाए जाते हैं जब प्रोटेस्टर्स आते हैं पुलिस वायलेंस करती है डंडे मारती है अगले दिन फिर होता है एम मूवमेंट में लीडर्स अरेस्ट होते थे गोलियां चलती थीं बॉम्ब पड़े उन लोगों पर आ, नदीम फारूक पर राजा ने पॉडकास्ट में आके बताया दो वो उसको बॉम्ब कर दिया अगले दिन फिर प्रोटेस्ट होती थी बिलीव इन समथिंग एंड समथिंग इज ऑर्गेनिक वो मूवमेंट सस्टेन करती है वो ऐसा नहीं होता आप एक दिन गए छह चीज़ें जलाईं और फिर घर जाके सो गए सो ऑब्वियसली उन जगहों पे जाना प्लान था उसमें उसमें ये जो आपके इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हैं ना इन्होंने पीटीआई को मरवाया है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए कोई आर्मी की ज़रूरत नहीं थी एक मेजर काफ़ी था और वो थे मेजर आदिल राजा जिस तरह की घटिया बेवकूफाना सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए उन्होंने बातें की ना उन बातों ने पी को मरवा दिया नाइन्थ में हो रहा है व्हाट्सएप पर क्या फॉरवर्ड कर दिया कि जी आर्मी के अंदर तो इंटरनल कू हो जाएगा लोग सेलिब्रेट करना शुरू हो गए लोगों को ये बताया हुआ था कि जी आर्मी वाले तो खुद हथियार डाल देंगे सारी आर्मी इमरान खान के साथ है एक जनरल दो जनरल बस ये मसले मसाइल हैं ये हट जाएं, तो बाकी तो हर चीज अच्छी है आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ़ दू इन पॉलिटिक्स आप पाकिस्तान लॉस की सीरीज देख लें, तारीख में मैंने बताया हुआ है किस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिक्स में घुसकर खलत किया एस्टेब्लिशमेंट के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं रियल इस्टेट में उसकी आप तनकीद करें फौजी की तनकीद करना गलत बात है uh, एक जो आम सिपाही है जो जो खड़ा हुआ है उसकी गलती नहीं है uh, आप इस तरह म्यूटनी नहीं इंसाइट कर सकते अगर आप लिटरली कह रहे हैं कि जब अपनी सीनियर्स की बातें मानना छोड़ दो वट यू एक्सपेक्ट राइट कि आप आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन तबाह करना चाह रहे हैं इस मुल्क में दैट्स वट नो बडी वॉन्ट्स जो नाइन्थ मे को नाइन अलेवन बना पेश किया जा रहा है ऑब्वियसली वो एक प्रॉपरगेंडा है ऑब्वियसली वो Uh, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना उसको बनाया जा रहा है बट वो सिर्फ उसका एक एलिमेंट है नाइन एलेवन एक्चुअली पाकिस्तान का सोलह दिसंबर था लेकिन जो बड़ा मसला है जो शायद इतने लोग खुलकर नहीं बोल रहे क्योंकि उनको डर लगता है आ, काली वीगो का या आजकल वाइट वीगो का लेकिन सच बोलना चाहिए यार इज दिस थ्रेट ऑफ म्यूटनी आप अगर एक मीडिया कैंपेन चला रहे हैं कि जी इंटरनल कू हो गया व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू राइट यू ट्राई टू टेल योअर आर्मी कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिस्पोज करें नाइन्थ मे वॉज एन to incite अ फेक कू ये सच्चाई है नाइन्थ मे की दिस इज वाई यू आर सींग reaction that you're सींग शबाज गिल को क्यों उठाया गया था जब बाकी लीडर्स भी तो इस तरह की बातें कर रहे थे क्योंकि शहबाज गिल ने इस तरह की कोई बात की थी मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद कि सिपाही अपने सीनियर्स की कमांड मानना छोड़ दें ये आर्मी की रेड लाइन है तो अब जब आर्मी को आप इस तरह अटैक करते हैं तो उसका एक रद्द अमल आएगा ना यू लिटरली टू वॉर विद यू लिटरली टारगेटेड द चीफ ऑफ कमांड तो अब वो डायरेक्ट हो गए uh, अब हम जो ये देख रहे हैं मिड नाइट एंड पीपल बींग अप और एक साइलेंस हम देख रहे हैं बिकॉज यू ड्रैगडू दिस एंड दिस इज नॉट विक्ट ब्लेमिंग आई स्टिल ज़ाहरी बात है कि रात को अगर किसी को उठाया जा रहा है उसके घर में इनफैक्ट शीरी मजारी से मेरे पोलिटिकल बहुत अख्तिलाफ़ात हैं मैंने बार बार उनके फेवर में ट्वीट किया हमाद अजहर के वालिद को रात को उठा लिया गया था मैंने उसको कंडेम किया ये सब गलत हो रहा है गलत हो रहा है इस सबको कंडेम करना चाहिए बट एट दैम टाइम प्रोपागेंडा भी नहीं होना चाहिए ना आज भी पी वाले लोग क्या कहते हैं मे नाइथ वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहाँ से भाई आपके लोग नजर आ रहे हैं या तो आप तस्लीम करें कि यार अच्छा हमसे गलती हो गई आ, हमने कुछ और प्लान किया था कुछ और हो गया थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल वे आर सॉरी लेट्स फिक्स थिंग्स लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन मे बी देर इज होप फॉर देट लेकिन अगर आप आज भी यू विल स्टिक टू योर गन्स के नहीं आई एस आई ने नाइन्थ में करवाया ताकि वो पी टी आई को क्रश कर सकें इस बात में तो अब कोई सेंस नहीं कोई ढूंढ सकता क्योंकि जो लोग हैं जिनकी वीडियोस हैं वो क्लियर हैं और वो मैं नहीं दिखाऊंगा मैंने नाइन्थ में ऑनवर्ड्स कोई वीडियो नहीं पोस्ट की ना ट्विटर पे ना कहीं और बिकॉज स्निचेस गेट स्टिचेस मैं नहीं चाहता कि मैं कैमराज में आपको बताऊँ ये है ये है ये है ये है आ, वो एक विच हंट भी शुरू हो चुका है विच आई रियली डोंट वांट मैंने उस जिस बंदे ने मोर उठाया था मैंने एज ए जोक वो पोस्ट की थी बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो जो बेचार है अपेरेंटली उसको भी दस साल की जेल हो गई है अनवेरिफाइड जो मैंने सुना है इन लोगों पर मुझे तरस आता है इन लोगों पर मुझे तर्स आता है कि यार एक बेचारे लोग जो पाकिस्तान के लिए भला चाहते थे पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहते थे कल को कुछ कर सकते थे उनका पैशन उनके जज्बात पी ने कोऑप्ट किए बोला भाई इमरान खान एजी और ओनली सेवियर इमरान खान एजी और रेड लाइन इमरान खान एक फरिश्ता है और बाकी लोग जल्लाद हैं आपने इसके लिए खड़े होना है आपने इसके लिए चीजें जलानी है वायलेंस करना है आज से पहले जब लोगों ने वायलेंस किया तो उसको सेलिब्रेट किया गया इस दिन ये लोग हद से बाहर निकल गए क्योंकि जब ये ऑरेंज लाइन पे थे जब ये येलो लाइन पे थे उनको किसी ने रोका तो उन्होंने बोला ठीक है तो फिर रेड लाइन भी क्रॉस कर लो रोकना पहले चाहिए था ना इन लोगों के जज्बात आप लोगों ने मिस यूज़ किए मिसडायरेक्ट किए इसलिए इन लोगों के लिए मेरे पास ज़्यादा सिम्पत्ति है और अब आप डिसोन कर रहे हैं कि तो पीटीआई वर्कर्स ही नहीं थे आई नो ऑल द कैंपेन्स आर फोकस्ड ऑन पीपल लाइक खतीजा शाह विच इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल जब आपके जैसा कोई दिखता है आपके जैसा कोई होता है आपकी ज़्यादा सिंपत्ति होती है लाइक आई सेड मुझे सबसे ज़्यादा दुख जुबरान को हुआ बिकॉज आई नो हिम काफ़ी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन वो बाइसड हैं क्योंकि खतीजा शाह उनकी दोस्त है तो वो उस तरह बोलते हैं दिस इज़ नॉट सेइंग और जस्टिफाइंग व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीटीआई जो हो रहा है पीटीआई के साथ उसको कंडेम करना चाहिए लेकिन इसकी एक तारीख भी है ना इसमें आप लोगों को भी अपने आप को आईने में देखना पड़ेगा खतीजा शाह जिन पर पहले इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने कुछ वर्कर्स को बंद कर दिया था उनको जब पुलिस वैन में रखा गया उन्होंने बोला मुझे वहाँ सांस नहीं आ रही खदीजा शाह जिनके जो वालिद हैं सलमान शाह वो रूडा के चेयरमैन हैं रूडा जो गरीब लोगों की ज़मीनें रोनते हुए एक रियल इस्टेट सोसाइटी बना रहे हैं तब आप लोगों को कोई एहसास नहीं था तब आप लोगों को किसी गरीब की कोई फिक्र नहीं थी पी के दौरे हुकूमत में पी पर गोलियाँ चलाई गई पी ने जस्टिफाई किया आप लोगों को कोई सिम्पति नहीं हुई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सालों साल आपको बलोच एक्टिविस्ट पीटीएम वाले लोग बोलते रहे कि हमारे साथ ये होता है हमारे साथ ये होता है आप लोगों को यकीन नहीं आया हद तक आपने उन लोगों को ट्रेटर्स बोला एक पूरी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बनाई गई उनके खिलाफ उन लोगों को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करना सो वेन पी टी आई सैज़ टमोरो दे विल कम फॉर यू एंड दे विल बी नो वन लेफ्ट टू स्पीक उनमें वो एक जरा इट्स इट्स इज लॉट ऑफ आयरनी टू दैट बिकॉज दे व ऑलरेडी कम फॉर एवरीबडी एल्स इस पोम की लास्ट लाइन है हाँ पी टी आई बाकी सब पे वो आ चुके हैं और आपने कुछ भी नहीं बोला कौन बचाए आ, सिंधियों के साथ सालों साल जुलम हुए एम आर डी के पे हमने पूरी पूरी पॉडकास्ट की है कराची में एम क्यू एम के ऊपर क्रैक डाउन हुआ कल अगर ये बात सच है कि इमरान खान का अब नाम नहीं लिया जा सकता तो एक तो मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ये बनाकर वीडियो आ, तो ये अल्ताफ़ हुसैन के साथ हो चुका है रेंजर्स ने उठाया था एम क्यू एम वाले लोगों पर सड़कों पर ऑपरेशन हुए थे बलूचिस्तान की जो हिस्ट्री है वो सबको ही पता है पी टी एम की जो पूरी मूवमेंट है वो आप उठा के देख लें उससे पहले पश्तून जो मूवमेंट्स आई है वो उठा के देख लें आपको तो सिर्फ टेररिस्ट नज़र आता है ना लेकिन आपने अपनी अमेरिकन डॉलर्स की जिहाद के चक्कर में एक पूरे सूबे को जंग की तरफ पुश कर दिया तो उनके फ्यूचर जब तबाह हो रहे थे उनके गांव जब बॉम्ब हो रहे थे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था साउथ पंजाब में एक सराई पूरी मूवमेंट है तो सिर्फ नॉर्थ पंजाब था जिसको लगता था बाकी सारे गद्दार हैं 1971 में जो हुआ उसका तो शायद जिक्र भी हम नहीं कर सकते और ये शायद पॉइंट थ्री है कि अनप्रेसिडेंटड नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्टिफाइड है इसका मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें कॉन्टेक्स में देखना ज़रूरी हैं आई डोंट नो वाई पी टी आई लाइक्स टू फील दैट वी आर यूनिक और हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हुआ और सिर्फ हमारे साथ हुआ इट्स ऑनेस्टली ऑफेंसिव टू कम्पेयर टू वट हैपेंड इन नाइनटीन सेवेंटी वन इमरान रियाज खान को अगर उठाया जाता है नहीं प्रोड्यूस किया जाता ये फैशिज्म है ये कंडेमेबल है लोगों को मिडनाइट उठाया जाता है अरेस्ट किया जाता है जेलों में डाला जाता है उनके घर वालों को मिलने नहीं दिया जाता है ये चीज़ गलत है ये चीज़ कंडेमबल है लेकिन इसको 1971 से आपको कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है बिकॉज दैट्स फ्रैंकली ऑफेंसिव नाइनटीन में क्या हुआ था बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान ऑफ़ दैट टाइम प्लीज़ खोल के ज़रा पढ़ें तो ताकि आप लोगों की अकल ठिकाने हैं और आपको समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हैं द प्रॉब्लम इज के वो आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स को भी एक टेंटलाइजिंग प्रॉपागेंडा बना दिया है कि यार मज़ा नहीं आएगा ना चस्का नहीं डालेंगे तब तक वो चीज़ वायरल नहीं जाएगी जो वायरलिटी की भूख है ना इसने पागल कर दिया आप लोगों को आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट यू गॉन इनसेन जिस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं ना कि जी हज़ारों औरतों के साथ जेल में जो हुआ आप पागल हैं आप लोगों का दिमाग ख़राब है ये किस किस्म की घटिया तरीन बात है ये बोलने से पहले जरा दो सेकंड ना अपने दिमाग को एक चमाट मार के सोचा करें कि अंदर कुछ बचा भी है या नहीं आप लोगों के अंदर राना सना इमरान खान दोनों ने घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की असोल्ट इज नॉट एन इशू टू बी टेकन लाइटली एक औरत के साथ भी अगर ये हो ना तो पाकिस्तान की पूरी कौम को सड़क पर आके खड़ा हो जाना चाहिए बट जस्ट न्यूज बनाने के लिए प्रॉपरगेंडा बनाने के लिए आपने कैजुअली किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ला दिए कि थाउजेंड्स के साथ ये हुआ है क्या एविडेंस है क्या एविडेंस है एक के साथ भी हुआ है ना पाकिस्तान का हर इंसान कल बिजनेस बंद कर दे और सड़क पे आ जाए झूठ बोलने की जरूरत या प्रॉपरगेंडा की जरूरत नहीं है जस्ट के न्यूज में चस्का हो जूज में मसाल हो दीज आर नॉट इशूज दैट यू शुड टेक लाइटली दीज आर नॉट इशूज दैट यू शुड फ्रिवलेसली टॉक अबाउट दीज आर वेरी 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 सीरियस इशूज दीज आर नॉट योर टॉकिंग पॉइंट्स पॉइंट पॉइंट मानना है दूसरे पे तो मैं औरतों को इस्तेमाल करूँ इतना ही आप लोगों को अगर फिक्र है तो अली अमीन गंडापुर को आपने के -पी का प्रेजिडेंट बना दिया पी ने अली मीन गंडापुर वही इंसान है जिनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक ही परेडेड अ गर्ल नेकेड जो उन पर इल्ज़ाम है पी वाले लोगों ने ही उन पर इल्ज़ाम लगाया तो अब जो हो रहा है उसको अपने हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है समझने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को सब इंसान लगे इवन मे नाइन्थ पे जो हुआ हफ्ते तक हमें कोई कंडेमनेशन नहीं नजर आई या इवन uh, जब इमरान खान कोर्ट में थे अथिर मन ने उनसे बार बार बोला कि आप कंडेम कर दें उन्होंने कंडेम नहीं किया एंड जो प्लान था मे नाइन्थ का अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो दीज पीपल वुड हैव सीन एज हीरोज वो फिर सब ओनरशिप ले लेते कि हमारे वर्कर्स थे इन्होंने ये किया देखें पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी आ गई यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज अगेन पीपल हु लीव पी टी आई राइट नाउ द लूज क्रेडिबिलिटी तो फिजुल चौहान टाइप लोगों ने जो बातें की हैं कि जी जमान पाक में ये प्लान बना था टारगेट्स बने थे क्वेश्चनेबल बिकॉज अब तो आप यही बोलेंगे ना फिर दो साश कमान ने भी जिस तरह की बातें की हैं क्वेश्चनेबल बिकॉज अब तो आप यही बोलेंगे लेकिन पी टी आई के जो अपने लोग हैं यासमीन राशिद ने कहा कि जी कोर कमांडर हाउस जाएंगे ये भी फैक्ट है कि यासमी राशिद की एक वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं किर कमांडर हाउस के अंदर ना जाओ बाहर आ जाओ सो विद इन द लॉज जो इंसान रहा है एन अगेन खतीजा शाह अगर बाहर थी सारे उनके पास राइट्स होने चाहिए वन हंड्रेड परसेंट शुड अ राइट टू फेयर ट्रायल एवरी सिंगल पी टी आई लीडर एवरी सिंगल पी टी आई सपोर्टर पूरे पाकिस्तान को मिलिट्री कोर्ट्स आर्मी एक्ट के खिलाफ होना चाहिए सिविलियंस पर नहीं ट्राई होना चाहिए ये यूब खान की बदौलत है कि आप सिविलियंस पर ट्राई कर सकते हैं ये जो पास्ट मार्शल लॉज आप लोगों ने भंगड़े डाले हैं ना क्योंकि कराची में रेव्स हो रही थी आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुशरफ नॉर्थ में बॉम्बिंग चल रही हैं ड्रोन अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में बॉम्ब हो जाता है तो गोलियाँ चल जाती हैं आप लोगों को कोई फिक्र नहीं होता एज लॉन्ग एज यू कैन हैव अ रेव एट द बीच दीज आर पीपल हु शुड वेक अप कि ओ मेरे दोस्त एक जो फैशन डिज़ाइनर है वो जेल जा रही है तो ये तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म है लेकिन आप बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक बीच रेव कर रहे थे और साथ बॉर्डर के उस पार बॉम्ब गिराए जा रहे थे तब आप लोगों को इसे करनी थी क्योंकि वो तो इंसान नहीं है ना सो द रीज़न I've been harping on about how not unprecedented this is, is for you to realize that जब तक आप सब लोगों को इंसान नहीं समझेंगे, there is no hope for any of us. PTI का narrative problem ये है कि PTI की reason for existence ये रही है कि PMLN, PPP चोर हैं, इन्होंने बारियां ली हैं, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद किया है, क्योंकि इस्टैब्लिशमेंट अपना नैरेटिव दे रही थी पी को तो वो वो हक के भी दस साल खा जाते हैं ऐब खान के भी दस साल खा जाते हैं मुशरफ के भी दस साल खा जाते हैं पूरे सत्तर साल का जो क्राइम है वो पी 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 और पी एम एल एन पर लग जाते हैं हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किए कि कितनी ही उनके पास पावर थी नाइन्टीज़ में कौन कंट्रोल कर रहा था बिहाइंड द सीन्स उसकी डिटेल्स में नहीं जाते तो जब उन्होंने ये कहा तो पी टी आई फिर ये कैसे सक, ये कैसे कह सकती है अब ओ वेट जो पी 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 के साथ हुआ जो पी एम एल एन के साथ हुआ अब हमारे साथ हो रहा है गॉड ऑनस्ट ट्रूथ इज़ के इमरान खान वॉज नथिंग मोर दैन वट नवाज शरीफ वॉज इन द नाइन्टीज़ वही है कॉपी पेस्ट वही चीज़ें हुई हैं एंड अब अगर पी टी एम ने जिस तरह वोट को इज़्ज़त दो की मूवमेंट चलाई और उसको बूट को इज्जत दो कर दिया अब अगर पी एम एल एन वापस उसी तरह इमर्ज कर रही है जो नाइन्टीज़ की पी एम एल एन थी येस पी टी आई हैज़ ड्रैगड दम देयर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फाड़ के डिस्ट्रॉय करके अब आप लोगों को शायद ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आएँगी जब पी एम एल एन वाले वही चीज़ करेंगे जो पी टी आई ने की थी इवन दो इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बट सम हाउ अगर कल इमरान खान सेलेक्टेड हो जाते हैं जनरल आसिम मुनिरंग को प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर सब वही गाना गाना शुरू हो जाएंगे जो एक एडिटेड क्लिप में अबरा एज अ जोक वो मीम पोस्ट की गई थी क्लिप गा रहे हैं दिस इज़ वाई पी टी एस पॉलिटिक्स एंड पी टी एस मूवमेंट हैज़ नेवर बेन एंटी स्टेबलिशमेंट उनको भी पता है हमारी रेडलाइन क्या है नाइन्थ में की आप लोग बात करते हैं आप लोग कंडेमनेशन करते हैं आपको पता है कि नाइन्थ में कहाँ गोलियाँ चलाई गई और कहाँ लोग मारे गए के पी में और बलूचिस्तान में फोकस हमारा सार है लाहौर में बिकॉज दैट्स वॉट पीपल फील लाइक कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में इंसान रहते हैं बाकी मुल्क तो फॉर्डर है जब मारना है जिसको मारना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पी टी आई एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती है अगेन जब आप एंटी इस्टैब्लिश होने की बात करते हैं आप बात करते हैं उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की उनके रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स की लोग पी 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 को क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन इस बात पे नहीं क्रिटिसाइज़ करते कि भाई पी 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 जो कहती है हम पीपल्स पार्टी हैं आप वायर यू इन मलिक विज क्यों आप सिंधी विलेजर्स के साथ नहीं खड़े हुए बहरिया टाउन के साथ खड़े हुए तो हम जिन चीज़ों में वाकई अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए उस वक्त हम नहीं खड़े होते क्योंकि आप सबके भी प्लॉटें और फाइलें हैं आप लोग सबको जो रियल इस्टेट प्रॉफिट नजर आते हैं ना बहरिया टाउन में वो आप लोगों की भी बोलती बंद करा देती है सो पी टी आई हैजर टेकन अप ह्यूमन राइट्स कॉजे विच आर नॉट टू डू विद पी टी आई उनके लिए बड़ा आसान होता है नाइन्थ मे को बोलते हैं अच्छा जी बलोचिस्तान में ये हुआ ये एक तारीख है की लेट्स लेट्स कनेक्टेड विद द बलोचिस्तान राइट्स मूवमेंट के पी में ये हुआ अच्छा लेट्स कनेक्टेड विथ पी टी एम अच्छा कराची में ये हुआ कराची की तारीख से हम इसको कनेक्ट कर दें लेकिन उनको भी पता है ये एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट की रेडलाइंस हैं ये हम नहीं कर सकते द पॉसिबिलिटी टू बी सेलेक्टेड अगेन टुमारो नीड्स टू स्टे ओपन तो इसलिए उन्होंने बोला भाई ये दो तीन लोग बुरे हैं जनरल बुरे हैं बाकी सब अच्छे हैं और कल को हम सेलेक्टेड हो जाएंगे बुरा लगेगा कुछ लोगों को Uh, जो चाहते थे कि वाकई कोई सिविलियन सुप्रेमेसी हो लेकिन आप डिलूजनल हैं अगर आपको लगता था द बेस्ट होप टू डिफ़ीट द दबलिशमेंट इज़ इमरान खान आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिलूजनल थे बिकॉज़ इमरान खान को सिर्फ उन लोगों से मसला है जिन जो लोग उनको नहीं सिलेक्ट कर रहे उनको कोई इंस्टीट्यूशनल uh, पॉलिसीज से कभी कोई मसला नहीं था मतलब वो मलिक रियाज के साथ इन बेड हैं रूडा के वो लिटरली स्पोक्स पर्सन बने फिरते हैं तो जो पॉलिसी लेवल्स पे मसले मसाइल हैं वो 100 परसेंट उनके फेवर में उन्होंने बार बार बोला है कि मिलिट्री को तो इंटरफेयर करना चाहिए न्यूट्रल होने की तो आपको इजाजत ही नहीं दी गई है और यही मेरा पॉइंट फोर है वैन ऐसे कैन कैन पी टी आई डिफीट दी इस्टबलिशमेंट नो नॉट एट ऑल तो सब बड़े होपलेस हो जाते हैं अच्छा फिर हम क्या करें आप होपलेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपको लगता है ये एक ओवर नाइट सोलूशन है कि कल को मैं उठूँ और इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान सही हो जाए नहीं जो ये सालों साल की बर्बादी हुई है स्लोली वो रिकेन की जाएगी एटीन अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं एक स्लो पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसके थ्रू एटीन अमेंडमेंट पास किया गया स्पेस रीगेन की गई और वो स्पेस आज तक इस्टेब्लिशमेंट वापस अनडू नहीं कर सकी है फिफ्टी एट टू बी को निकाला गया वो पावर इस्टेब्लिशमेंट वापस कभी भी नहीं आई पी ने कितनी कोशिश की एटीन अमेंडमेंट को रिवर्स करने की नहीं कर सके ना दीज आर वेरी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें पूरी सिविल सोसाइटी को साथ मिलके स्पेस रिगेन करनी चाहिए हमने एक पॉडकास्ट शुरू की सच बोलना शुरू किया आज को कोई दस पंद्रह वैसी और पॉडकास्ट हैं लेफ़्ट के कुछ लोग बैन हुए खुलकर बोला उन्होंने अब थोड़े बहुत और लेफ़्ट के लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं एक स्टूडेंट हॉलेडाइटी मार्च हुई अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के दौर में उन पर भी सडिशन चार्जेस हो गए पीटीआई के दौर में जितने जर्नलिस्ट और मीडिया वाले लोगों के ऊपर ना मसले मसाइल हुए लोगों ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई बिकॉज़ दे वर सपोर्टिंग पी बट वो काफ़ी स्पेस रिसीड की गई औरत मार्च एक मूवमेंट थी जो बड़ी हो रही थी हर साल वो पी के दौरे हुकूमत में उन पर जितना जुल्म हुआ वो वापस छोटी होना शुरू हो गई पी टी आई में एक मूवमेंट थी दैट वॉज गैदरिंग स्टीम पी टी आई के दौर में वो वापस छोटी हो गई सो द वे फॉर चेंज ए स्लो जो लॉयर्स हैं वो केसेस लड़ें सिविल राइट्स के केसेस लड़ें स्पेस वापस लें सालों साल एक लंबा प्रोसेस है जो मीडिया में लोग हैं सच बोलें जोर से बोलें खुल के बोलें इफ़ इनफ ये जो लोग कहते हैं भाई शजाद हाउ केन यू से दीज थिंग्स भाई आप भी बोल सकते हैं मेरे पास भी वही ट्विटर और फेसबुक की एप्लीकेशन है जो आपके पास है मेरे पास भी वही यूट्यूब है जो आपके पास है आप बोलते नहीं हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है अगर पचास हजार लोग कल को सच बोलना शुरू कर दें और यूट्यूब पे वीडियो डाल दें पचास हज़ार को जेल में डालेंगे नहीं डालेंगे ना द प्रॉब्लम इज नॉट दैट समबड़ी स्पीक्स द ट्रूथ द प्रॉब्लम इज़ नॉट इनफ ऑफ यू डू इट इस तरह चेंज आता है इनफ वॉइस एक पी जो चाहती है ना हर ह्यूमन राइट्स कॉज हम में ज़म हो जाए इस तरह नहीं होगा यू विल हैव टू फाइंड एलाइज यू विल हैव टू इंटरसैक्शनैलिटी पी डीएम ने ऑप्टिक्स के लिए किया बिल्कुल मानता हूँ मैं ऑप्टिक्स के लिए किया बाई उन काई शायद दिल से इरादा नहीं था विच इज़ वाई नथिंग हैपन लेकिन इट्स अ पावरफुल इमेज ना कि मुदसर नारू के बेटे के साथ मरियम नवाज़ की तस्वीर आ रही है इट्स अ पावरफुल इमेज ना कि मोहसिन दावर को बुलाया गया है इवन दो क्वेटा में उनको अन इन्वाइट कर दिया था उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि पी डी एम इज अ मूवमेंट टू बी सिलेक्टेड अगैन एंड आई वॉज प्रूव एंड राइट तो ये जो एलाइशिप आपको मिलेगी ना उसके थ्रू चेंज आते हैं आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सिर्फ इमरान खान को लीडर मानो तो आ, कुछ होगा नहीं मानो तो भाड़ में जाओ हद तक के जबरान नासिर के लिए भी वट अ ग्रेट मोमेंट इट वॉज राइट इतनी इंटरनेशनल अटेंशन थी इतनी मीडिया अटेंशन थी इतने लोगों ने बोला इमरान खान को तो फ़ॉर लाइव आना चाहिए था इट वुड हैव बिकम सच अ बिग स्टोरी और इमरान खान का जो पूरा नाइट है उसको कितना सपोर्ट मिलता है कि भाई अब तो जबरान नासिर को भी उठाया जा रहा है नहीं किया हद तक के जिले शाह का जब मर्डर हुआ उसके बारे में इतना जिक्र हुआ प्रॉपागेंडा भी हुआ अच्छा खासा लेकिन उसके बाद जब ज़िल् शाह की वालदा ने बोला कि मैं इमरान ख़ान पर ब्लेम डालती हूँ और अब तो जिन पी टी आई के लीडर की गाड़ी ने जिल्ले शाह को हिट किया था उन्होंने आके कन्फेस भी कर लिया है कि आ, मेरी गाड़ी थी और मैंने यासमीन राशिद और पी टी आई लीडर्स को उसी वक्त बता दिया था उन सबको पता भी था फिर भी उन्होंने ये बात छुपाई और प्रोपागेंडा होने दिया यासम राशिद को टी वी पर भी जब पूछा गया कि आपको जब पता था आपने बताया क्यों नहीं तो उन्होंने बोला मैं तो बहुत बिजी थी और चीज़ें हो रही थी नेशनल न्यूज़ थी जिले शाह का मर्डर फॉर टू टू थ्री डेज तो आपने क्यों नहीं बताया उस टाइम आई थिंक फोटी एट आवर्स गुजर चुके थे जब वो टी वी पर आए उन्होंने बोला हाँ मुझे तो पहले से पता था सो इफ़ यू ओनली केयर अबाउट इशूज़ वैन दे अफेक्ट यू देन इट्स वेरी इजी फॉर द दबलिशमेंट टू डू वट देर डूइंग आप लोगों को एक पार्टी ने यूतियों जियालिया और जियालिया और जयाल्या और पटवारी में बांट दिए और आपको लगता है यही हकीकत है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेदर यूर अ पी टी आई सपोर्टर और नॉट हक और बादल की जंग है जिहाद है इस जहनीत से बाहर आएँ आपने एक पार्टी को सपोर्ट करना है वोट देना है बिल्कुल दें लेकिन आप इस तरह नहीं सोच सकते कि जो नहीं देता वो काफिर है और उसको तो उसकी बेटियों की शादियाँ ना करवाओ इनको तो बैठना ना दो इस जहनीत से बाहर आएँ एक दूसरे को इंसान समझें जब नवाज शरीफ के साथ जुर्म होता है उसको भी जुल्म माने आ, राना सना आपको बुरा लगता है मुझे भी बहुत बुरा लगता है लेकिन जब उसको गलत केस में आ, एक केस जिस पे सजाए मौत है तो आप एक फेक केस एक, एक इंसान के ऊपर कर रहे हैं जिसमें उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है एंड यू आर सेलिब्रेटिंग राइट अभी इमरान खान ने बोला मैंने तो नहीं किया रााना सा नाला पे केस ए एन एफ ने किया था तो शरियार आफरी दी जब अल्लाह की कस्में खा रहे थे कि ये केस सच्चा है तब पी टी आई कहाँ थी तो वन दे वर इन पावर दे सेलिब्रेटेड एवरी सिंगल ह्यूमन राइट्स अब्यूज और जब उनके अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ हो रहा था तो वो खुशियाँ मनाई जा रही थी तो जो सपोर्टर्स हैं प्लीज़ इस जहनीत से बाहर आएँ इफ़ योर पोजिशन राइट नाउ इज ऑल्सो कि ये पी टी आई के साथ गलत हो रहा है पी एम एल एंड पी बी बी के साथ होना चाहिए यू लॉन्ट नथिंग पूरी मेरी कोशिश रही है वेदर दैट बी द पाकिस्तान लॉस सीरीज वेदर दैट बी द पॉडकास्ट वी डन इन द पास्ट फ्यू वीक्स क्या आप लोगों को समझाया जाए कि अनप्रेसिडेंटेड नहीं है ये नया नहीं है द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ़ दैट इज़ टू रियलाइज वेयर ऑल वन आप और मैं हमारी कोई नाइन्टी चीज़ नाइन्टी परसेंट चीज़ें सिमिलर होंगी एज अ पोस्ट टू आप और इमरान खान एज अ पोस्ट टू आप और ज़द्दारी एज अ पोस्ट टू नवाज शरीफ और आप ये लोग आपके सेवियर्स नहीं हैं जिस तरह पी टी आई ने अबैंडन किया आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए जिस तरह पी डी एम ने पूरा वोट को इज़्ज़त दो का अबैंडन किया आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों की अकल ठिकाने लग जानी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स हैं दे विल ब्रिंग अबाउट चेंज आप अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें फेमनस मूवमेंट्स जिनका आप लोग मजाक उड़ाते हैं जिन लोगों को आप अंडरमाइन करने की जरूरत जरु, अंडरमाइन करते रहते हैं उन लोगों ने कितनी मेहनत से कितने रिपीटेडली मूवमेंट चला कर पाकिस्तान में पॉजिटिव चेंज लेकर आई हैं ये सिविल सोसाइटी है जो मल्टीपल टाइम स्टेट के अगेंस्ट खड़ी हुई है तो इफ़ देर इज़ एनी होप फॉर चेंज इफ दर इज़ एनी होप फॉर बेटरमेंट ये पार्टीजनशिप इज़ नॉट द सोलूशन इट्स दिस जेन्यून मूवमेंट्स जिनको सपोर्ट करना चाहिए कितना अच्छा होता अगर पीटीआई पीटीएम को सपोर्ट लेंड करती पीटीआई के पास सारी रिसोर्सेज हैं सारा पैसा है सारा सोशल मीडिया है वाई डोंट दे स्टैंड विथ पी टी एम वाई डोंट दे स्टैंड विद औरत मार्च ये जब तक एलाइशिप नहीं मिलेगी ये जब तक सारे ह्यूमन राइट मूवमेंट्स साथ नहीं होंगे अपने अपने न छोटी छोटी सॉर्ट्स लेके आप लड़ेंगे और हारेंगे इट्स अनफॉर्चुनेट होपफुली

या बिलीव करते हैं या सपोर्ट करते हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स की बेसिस पर मत करें आ, किसी एक इंसान को गाली देकर आप कुछ नहीं पाएंगे थिंक अबाउट दो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म में भीतरी किस चीज़ में आएगी और उस चीज़ को सपोर्ट करें अगर हम सारे लोग हर दिन पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें ना तो कब मुल्क बेहतर हो जाएगा समझ में भी नहीं आएगी कल्ट में मत जाएँ मुल्क बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जो